कुलमणि बाबू की हत्या को अवसर मानकर हमें यहाँ आना पड़ा। हम उनके परिवार के साथ खड़े हैं और जब तक उनको न्याय नहीं मिलती हम उनके साथ खड़े रहेंगे और लड़ते भी रहेंगे उनके लिए। मैं पहले महंगा ब्लॉक को, नूरतंग गांव को मैं सर झुकाकर मैं नमन करती हूँ, क्योंकि यहाँ के जो प्रदेश सरकार है बीजू जनता दल का, उनके भ्रष्टाचार के खिलाफ जिस शक्ति से नूरतंग के वो हमारे कुलमणि बाबू हो सकते हैं या दिव्य सिंह बराल हो सकते हैं, और इससे पहले जिनको मारा गया विकास जना, जिस शक्ति से ये लोग अपने आवाज उठाए थे भ्रष्टाचार के खिलाफ, ये दिखाई देता है कि यहाँ का जो शासन है वो कितने भ्रष्टाचार में डूबी हुई है। विकास जना एक साल पहले उन्होंने आवाज़ उठाया था कि यहाँ जो प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत जो गरीबों को घर मिलना था वो गरीबों को छोड़कर सब और बीजू जनता दल के नेता लेके जा रहे थे, इसीलिए कि उन्होंने आवाज़ उठाए उनको बेदर्दी से हत्या कर दिया गया था। अब हमारा कुलमणि बाबू जी और दिव्य सिंह बराल जी, ये दोनों जब आवाज़ उठा के यहाँ प्रधानमंत्री आवास योजना के अंदर जो भ्रष्टाचार हो रही है वो उभर कर वो आगे लेके आना चाहते थे, बीजेपी राज्य प्रभारी डी पुरंदेश्वरी सामाजिक सम्मेलनी करुछंती एवं राज्य सरकार को सीधा सीधा निशाना करिछंती संपृक्त घटना। कुलमणि बराल बीजेपी नेता एवं तांकर सहयोगी और यहाँ के जो मंत्री हैं प्रताप जना जी, उनका भी नाम लिए तो उनको क्यों अरेस्ट नहीं कर रहे? यहाँ FIR में प्रताप जना का नाम है और जो केस दर्ज हुआ है उसमें भी प्रताप जना का नाम है, तो क्यों छोड़ दिए उनको? जब हम गए थे दिव्य सिंह बराल जी के घर तो उनके तीनों बेटे यही प्रश्न पूछ रहे थे हमसे कि जब बयान दिया गया था और जब सबको मालूम है कि प्रताप जना इस हत्या में उनका हाथ है तो क्यों उनको छोड़ रहे हैं? हम नवीन बाबू से हाथ जोड़कर अनुरोध करना चाहते हैं कि आप बाहर आइए, थोड़ा आंख खोलकर देखिए, थोड़ा कान खोलकर आप सुनिए, आपके जो प्रदेश में लोग जितने दिक्कतें भुगत रहे हैं वो कहीं और प्रदेश में नहीं भुगतेंगे ज़रूर। यहाँ के कटक का जो किसान भाई हैं अगर उनसे भी पूछे तो रणेंद्र प्रताप स्वाइन उनका भाई खुद किसानों को जो मिलना था वो खुद उसमें भ्रष्टाचार कर रही है, ये हम नहीं कह रहे, यहाँ के कटक के किसान भाई कह रही है। तो इतना भ्रष्टाचार होने के बाद अपने लोगों इतने दुखद भुगतने के बाद भी नवीन बाबू आप चुप क्यों हैं? हम विनम्रता से आपसे प्रार्थना करते हैं कि आप बाहर आइए। आपने एक बार कहा कि मेरा 4.5 करोड़ बच्चे हैं, उन बच्चों में कुलमणि बाबू जी भी एक है, उन बच्चों में दिव्य सिंह बराल जी भी एक है, और जो एक साल पहले मारा गया विकास जना वो भी एक है, तो ये सब आप ही के बच्चे हैं, तो आप क्यों उसका संरक्षण नहीं कर पा रहे हैं? यही हम पूछना चाहते हैं नवीन बाबू जी से और यहाँ के बीजू सरकार को कि आप न्याय दिलाए, अपने लोगों के साथ खड़े रहें, आप पर विश्वास करके ही यहाँ के लोग आपको वोट दिए, आपको सत्ता में लेके आए। आप आज उनके प्रति न्याय नहीं करोगे तो वो विश्वास टूट जाएगा, तोड़ दिए आप, तो आपको यही पूछना है कि आप आगे आइए, यहाँ के लोगों के साथ खड़े रहिए और हमारे कुलमणि बाबू वो नूरतंग गांव का है, वो ज़रूर नूर है
और उनके परिवार को इतना तंग करना ये ठीक नहीं है नवीन बाबू के लिए। उनका जो आक्रोश है वो श्राप बन सकता है और बनेगा भी। इसीलिए हम कहते हैं कि ये जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के प्रति ये हत्याकांड हो रहा है। अभी जब हम गए थे दिव्य सिंह बराल के घर, तो उनके बेटे ने खुद कहा कि अब तक भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के हत्या शाम को हो रही है, और अगर ऐसा ही छोड़ देंगे तो दिन दिहाड़े उनका हत्या हो जाएगा। ये प्रतीक है कि यहाँ का जो प्रशासन है, यहाँ का जो सरकार है, जिस तरह से सरकार चल रही है यहाँ पे, ये इसका एक मिसाल है। तो हम यहाँ के लोगों से भी, उड़ीसा के लोगों से भी यही हम बताना चाहते हैं कि एक बार आप समझ जाइए कि ये जो सरकार अभी सत्ता में है, ये आपके साथ खड़े होने वाली सत्ता नहीं है। क्योंकि हर एक, जिस दिशा से भी, जिस एंगल से भी आप देखो, तो हर एक को किसी न किसी दुखद आज भुगतना पड़ रहा है इस प्रशासन के अंदर। इसलिए हम विनती करते हैं आपके द्वारा, मीडियम भाइयों के द्वारा, इस सरकार को कि वो न्याय करें इन दोनों परिवारों को, केवल इन दोनों परिवारों के ही नहीं। जैसे हम देख रहे हैं यहाँ लॉ एंड ऑर्डर पूरा गड़बड़ है। जैसे छोटे बच्चों को तस्करण हो रहा है, जैसे महिलाओं पर अत्याचार हो रही है। परी की घटना अब तक हमने नहीं भूली, फिर भी वो खुद नेशनल क्राइम रिपोर्ट खुद कहता है कि उड़ीसा में जितना महिलाओं के प्रति और बच्चों के प्रति अत्याचार और दुर्घटनाएं हो रही हैं, वो कहीं और नहीं हो रहे हैं। और इसका रिकवरी है, तस्करण होना एक बात है, और इसका रिकवरी केवल 14% है यहाँ उड़ीसा में। ये बहुत दुखद की बात है। हमारे बच्चे का अपहरण किया जा रहा है, यहाँ के महिलाओं पर अत्याचार हो रहे हैं, पर उनको न्याय नहीं मिलना, ये ठीक नहीं है। इसलिए हम कहते हैं नवीन बाबू बाहर आइए, आपका घर छोड़िए, बाहर आइए, आप कान को खोलकर और कान भी, आंख भी खोलकर आप देखिए और सुनिए, और अपने यहाँ के जो लोग आप पर विश्वास करें, उनका विश्वास टूट गया है, और आगे से यहाँ के लोग आपके साथ खड़े रहेंगे, इसका आप विश्वास मत करिए, विश्वास लेके आगे मत जाइए आप। बस नमस्कार। खोलकर और कान भी, आंख भी खोलकर आप देखिए और सुनिए, और अपने यहाँ के जो लोग आप पर विश्वास करें, उनका विश्वास टूट गया है। करना है जो भी हम करना चाहते हैं, वो मीडिया में थोड़ी बोलते हैं, हम अंदर हम डिस्कशन कर लेते हैं, अंदर ही अंदर हम डिसीजन लेते हैं। आपको असुंधरकाली डीजी ऑफिस मैडम, आप बोल रहे हैं कि राज्यभर में अभी लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन ठीक नहीं है, तो बीजेपी का कार्यक्रम क्या होगा लोगों को ये एहसास दिलाने के लिए कि लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन ठीक नहीं है, लोगों को बीजेपी सरकार की जब परी की हत्या हुई, जितनी बड़ी आंदोलन भारतीय जनता पार्टी करी, वैसे ही रस्ते में हम उतरेंगे, और जिसके साथ अन्याय हुआ उसको न्याय मिलने के लिए हम लड़ेंगे अंत तक। मैम, अभी यूपी में महिला का दुष्कर्म हुआ, उसका हत्या हुआ, क्या बोले कि आपके सरकार वहां पर, वो भी एक महिला है, आप भी एक महिला हैं? नहीं, सरकार नहीं छोड़े। देखिए योगी जी सीएम बनने के बाद, मुख्यमंत्री बनने के बाद, वहाँ बहुत तक लॉ एंड ऑर्डर सुधर गया है, बहुत बहुत हद तक, बट फिर भी जो दुष्कर्म अभी महिला पे हुई है, ये कोई भी उसको सपोर्ट नहीं कर सकते, और ज़रूर उसमें सीबीआई को दे दिया है, और ज़रूर जिन्होंने ये काम किया उस पर ज़रूर कार्रवाई की जाएगी। और हम यही विनती करते हैं, यही कि यहाँ के सरकार को भी, कि आप भी सीबीआई को दो ना, परी के साथ जो घटी हुई है वो भी आप सीबीआई को दो, न्याय करो उस बच्ची का। भारतीय जनता पार्टी लोगों के साथ खड़े रहने वाली पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी किसी ऐसे दुष्कर्म या दुर्घटना को राजनैतिक दृष्टि से नहीं देखती, ये मैं साफ साफ आपको कहना चाहता हूँ। जी, 6 आदमी ऑलरेडी गिरफ्तार हो चुके हैं इस घटना में, आपके आपके मंत्री का नाम है कि नहीं उसमें, तो उस पे क्या क्या कार्रवाई हो रही है?
उसको क्यों छोड़े, उसको भी अरेस्ट करना है। समझते हूँ, धन्यवाद। ये बोलना चाहते हैं आप जी, अभी तक जो भी इन्वेस्टिगेशन हुआ है, जो भी सामने आए हैं, ये ठीक नहीं चल रहा है, ये बोलना चाहते हैं? ये सभी जानते हैं, सभी जानते हैं कि यहाँ जो हो रहा है सब कुछ खुल्लम खुल्ला हो रहा है और अपने लोगों को छोड़ रहे हैं। और जो जैसे परी में वो खुद जिसको अरेस्ट करे वो जुवेनाइल है, उससे पहले कहे कि वो नहीं मेजर था, और वो खुद मीडिया के सामने आके कहा कि मुझ पे दबाव डाली जा रही है और मुझे 5 लाख का उसका भी देने की बात की अगर मैं आके बोलूं कि मैंने किया। अब उस बेचारे को जो दलित है जिनका आवाज़ ही नहीं, उनको ले जाके आपने जेल में डाल दिया। जब आपके खुद के मंत्री अरुण साहू उन्होंने जो ये दुष्कर्म किया उसको प्रोटेक्शन दे रहे। अब भी जब हम गए थे दिव्य सिंह बराल के घर तो उनके बेटे खुद कह रहे जो हथियारे हैं उनको यहाँ के मंत्री प्रताप जेना उनके घर में रखे थे, तो वो खुद कह रहे। तो आज यहाँ के मुख्यमंत्री नवीन बाबू इन सभी लोगों को न्याय देना उनका काम है कि नहीं, यही पूछ रहे हम। प्रकाश बाबू इन्वेस्टिगेशन बाबदरे दुई शब्द कहिबे, एक्स डीजी बीजेपी रो नेता हमरो कोंदु यहां आएंगे अब। जो बीजेपी प्रभारी डी पुरंदेश्वरी सांबादिक सम्मेलन में सीधासलख निशाना करिछन्ति सरकार को एवं लोकंकर क्षोभ अच्छे आम समस्त अत्यंत दुखदायक घटना जे कुलमणि बाबू एवं दिव्य सिंह बाबूंर एमती हत्या है नितांत चिंताजनक विषय एवं आपण समस्ते जानते जो एफआईआर टी तेरे अनेक लोक ना अच्छे एवं पुलिस जो इन्वेस्टिगेशन करें कि लोक गिरफ्त कर गोटे कहानी लोक आगे प्रस्तुत कराऊँगी पूर्व शत्रुता थी किंतु आपड़ जानते यही जो जघन्य कांड घटे जड़े लोक मृत्युकरण करने आगु सी जो बयान दिए तार तात्पर्य बहुत बेसी जो डाइंग डिक्लेरेशन कहुए लीगल टर्म आपण जानते दयानिधि बाबू तक मृत्युवरण करने आगु दिव्य सिंह बाबू किसी समय जीवित थे हस्पिटाल निया एवं सी आज आम जहाँ जानलु तर आत्मीय मानू सी अनेक किसी ना कही संपृक्त थे तेणुकर जो बयान टी तार तात्पर्य बहुत बेसी डाइंग डिक्लेरेशन धरवा कथा एवं ता अनुसार कार्यक्रम करने कथा इन्वेस्टिगेशन इन्वेस्टिगेटिंग ऑप्शन कर किंतु करा तेणुकर यही समस्त मनरे एक उद्वेगर विषय एवं आपड़ जानते यी जो पुलिस वातावरण पुलिस जो मैंने कार्य करते गोटे जनकर अनुगत आपड़ जानते बड़ दुखर कथा मुझे सब बेले कही आस विशेषकर आम जो कोस्टल अंचल जो थाना मानक लोक मान पोस्टिंग होने समस्ते से रूलिंग पार्टी लोकंर अनुगत ना पोस्टिंग कर आईन श्रृंखला प्रति लोकों जीवन प्रति लोकों धनजीवन प्रति अत्यंत विपज्जनक परिस्थिति सृष्टि कर पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन जो ट्रांसपेरेन्सी पूरा पूरी खिन्न हो जाए एवं ताद्वारा जो ये जो आप देखुं दिन दीपर लोकं हत्या हो लोकों घरे चोरी होची छोट छोट पिला सब कड़े कड़े बिकि दौरी घटना भाया आम 5000 रु ऊर्ध केस धरा पड़नी तेणुक यही सब जो समाज रे सब जो दुर्गति है तार मूल कारण हूँ जो पुलिस उपर चाप पकड़ निष्क्रिय कर दि जाए तेणुक से आम ये आप समस्त जरिया लोकंर मु भावी यहाँ लोकलोचन को आने नितांत आवश्यक एवं यही केस रे जहाँ आम प्रभारी कहले जो इन्वेस्टिगेशन टी ठीक ढंग से होना जो एफआईआर ना अच्छी
विरुद्ध डाइंग डिक्लेरेशन रे मध्य आपनकर इन्वेस्टिगेशन रे माने बयान रे आसुची जे समाने संप्रुक्त तापर आपण जो कन्स्पिरेसी जो हुए गोटे जो मैंने केवल संप्रुक्त था केस रे से माने जे खाली दोषी सान हुए तांको जो माने प्रवर्तैछन्ते से माने मध्य दोषी तेणु से ही विषय कौन कार्य अनुष्ठान ता पुलिस पर्यंत आम आगे कहकर लोकलोचन को आनी तेणुक यही सब आम लोकलोचन को आने लगे आज ये आसीचु एवं आशा करूँ जे इन्वेस्टिगेशन टी ठीक दिगरे जाऊ एवं नगले जहाँ आम प्रभारी आमको कहले आम राजस्तार पुणी ओल्लबू एवं या जमी कूलमणि बाबू और सहयोगी जो मृत्यु न्याय मिलू से आम राज्य सरकार स्पष्ट कर आईन तक कम कर राजनीतिकरण नकड़ा अपेक्षा कर राज्य सरकार स्पष्ट कर विगत जो केस जो बीजेपी पक्षर एवं डी पुरंदेश्वरी सहित प्रकाश मिश्र अनेक कथा कहते से कहते जो ट्रांसपेरेंसी पुलिस विभाग में थिला ताहा एवं पुलिस उपरे चाप पका जाई निष्क्रिय कर दिया जाउची दिव्य सिंह बराल मृत्यु पूर्वर जहां कहते डाइंग डिक्लेरेशन भाव में पुलिस नेदंत परिसरभुक्त करू बोली प्रकाश मिश्र सदासलोक कहते सहित डी पुरंदेश्वरी जे पर्यंत न्याय न मिली दिव्य सिंह बराल एवं कुलमणि बराल पर लोकं से पर्यंत लड़े जारी रहिबो एवं परी घटनारे जो भाव में राजरास्ता को ओल्लाई बीजेपी से भाव में ए घटनारे न्याय न मिलवा पर्यंत लड़े जारी रहिबो सहित राज्य सरकार को उपरे मुख्यमंत्री को उपरे बर्षिछंती डी पुरंदेश्वरी सहित राज्य सरकार भूमिका एवं राज्य सरकार मंत्रिमंडल मंत्री भूमिका को नहीं प्रश्न करतांग गाँव में मृत कुलमणि बराल पर भेटी समबेदना जनाई तदंत प्रक्रिया हुई प्रकृत दोषी को दंड मिलवाई आशा रखिंट आसंता काली डीजी ऑफिस घेराव करने बीजेपी निष्पत्ति तेज अधिक आलोचना करने आम सहित जोड़ी कटक ब्यूरो चीफ गौतम पंडा गौतम पूरा प्रेस मीट आप शुणुते डी पुरंदेश्वरी कहते सीधा सड़क पूरा घटना पर राज्य सरकार भूमिका कारण आईन श्रृंखला विपर्यस्त अवस्था रही से अभियोग आ देखो तो जदि कह सीधा सड़क राज्य सरकार कौन मुख्यमंत्री को सीधा सड़क टार्गेट करते मुख्यमंत्री आते दिन शोबे आपड़ कान खोलतु लोक कौन कहते शुणु आपि खोलतु और सबकि देखु कारण जो केवल ये सांप्रतिक घटना को नहीं ना या पूर्व जो परी केस रही था जहाँकि बेस आलोड़न सृष्टि करता से प्रसंग में आलोकपात करते तार जो तदंतर दिग दिगहरा तदंत से प्रसंग उठाई तेनाली तदंत धीरे धीरे दिग हबार लगे कारण देखो से आज जाते प्रथम पुरंदेश्वरी दुई जो मृतक रही पर सदस्य को भेटिले प्रतिक्रिया ने आमें सहित जाइल जो द्वितीय मृतक अच्छा दिव्य सिंह बराल घर को जाते पुओ मैंने जहाँ प्रतिक्रिया रखिले क्षेत्र में सीधा सड़क से कहले जो बापा हस्पिटालाइज होते मरबार किसी समय पूर्व से सीधा साल बार जन अभियुक्त ना नहीं जो थे प्रताप जेना नाम रही है तेणु जो एफआईआर जो मान ना रही कहुपे जो लीगल टर्म डाइंग डिक्लेरेशन क्या कहुच्छे जन मृतक मृत्युकालीन जमान मध्य जहाँ ना नहीं था तेनाली जथेष तार एविडेन्सीयर भैल्यू रही है तार करोबरेसन आवश्यकता रही है कि प्राथमिक स्तर में जितेबाला जो मृत्युकालीन जमान मध्य जेको व्यक्तिर ना नेतल साधारण विश्वास कराए से लोक से समय मिछ कौन तेणु निश्चित भाव से जो जो प्रसंग सामना को आनी जो जो अभियुक्त क्या कहते तेनालीर कहीं कार्यानुषान नहींनि पचारिंट केवल ये घटना नुह एत व्यतीत परी घटना जेहतु राज्य में बीएफएस आलोड़न सृष्टि कर तेणु यू प्रसंग से मैंने जितियों स्तर में पहुंचे और आगामी दिन में जो रही आसंता काली डीजी ऑफिस घेरव करेंगे एक कि जितियों इश्यू कर कारण देखो कहवा कथा विगत किसी वर्ष कारण ये कुलमणि बराल केस देखा या पूर्व पर जो अभियोग करते स्थानीय जो विकास जेना मृत्यु कराई से बर्तमान सुधा कौन से
ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯାଏ ନାହିଁ। ତେଣୁ ନିଶ୍ଚିତରେ କଷ୍ଟ ହେଉଛି ଯେ ପ୍ରଥମ ଯେଉଁ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ହୋଇଥିଲା ତାର ଯଦି ଅଭିଯୁକ୍ତମାନଙ୍କୁ ଧରାଯାଇଥାନ୍ତା ବା ଯଦି ତାଙ୍କୁ କାଠଗଡ଼ା ଭିତରକୁ ଅଣାଯାଇଥାନ୍ତା ତାହେଲେ ହୁଏତ ଏ ଦ୍ୱିତୀୟ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ଘଟିଲା ଦ୍ୱାରା। ତେଣୁ ଯେଉଁଭଳି ଭାବେ ବେପରୁଆ ଢଙ୍ଗରେ ଏକୁ ପରିଚାଳନା କରାଯାଇଛି ଏବଂ ରାଜନୈତିକ ପ୍ରତିହିଂସା କାରଣରୁ ଏ ପ୍ରକାର ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ଘଟିଛି। କାରଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଏ ଯେଉଁ ଘଟଣା ରହିଛି ଏଥିରେ କେବଳ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ଆର୍ଟିଆଇରୁ ରାଇଟ୍ ଟୁ ଇନଫର୍ମେସନ୍ରୁ। କିଛି ତଥ୍ୟ ସେମାନେ ମାଗିଥିଲେ ଏବଂ ସେ ତଥ୍ୟକୁ ଆଧାର କରି ଦୁର୍ନୀତିର ତଥ୍ୟ ଯଦି ପର୍ଦ୍ଦାଫାସ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲେ ତାକୁ ହତ୍ୟା କରାଗଲା ବୋଲି ଏ ପ୍ରକାର ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ତେଣୁ ମୋଟାମୋଟି ଉପରେ ଯଦି ଦେଖିବା ବିଗତ କିଛି ଦିନ ଏବଂ ଏଇ ନୃତାଙ୍ଗ ଗାଁର ଯେଉଁ ପୂର୍ବତନ ବିକାଶ ଜେନା ମର୍ଡର କେସ୍ ତାର ଆପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମାଧାନ ହୋଇପାରି ନାହିଁ, ଅଭିଯୁକ୍ତମାନଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯାଇପାରି ନାହିଁ। ତେଣୁ ଏଇଭଳି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଯଦି ଅଭିଯୁକ୍ତମାନେ ଓ ମର୍ଡର କେସ୍ର ହତ୍ୟାକାରୀମାନେ ସେମାନେ ଖୁଲେଆମ୍ ବୁଲିବେ ସେମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଏବଂ ସରକାରୀ ପୃଷ୍ଠପୋଷକତା ପାଆନ୍ତି, ସ୍ଥାନୀୟ ବିଧାୟକ ହୁଅନ୍ତୁ, ସ୍ଥାନୀୟ ମନ୍ତ୍ରୀ ହୁଅନ୍ତୁ, ଏମାନଙ୍କର ପୃଷ୍ଠପୋଷକତା ପାଆନ୍ତି, ଧୀରେ ଧୀରେ ସେମାନଙ୍କ ଅପରାଧିକ ପ୍ରବୃତ୍ତି ବଢ଼ିବ ଏବଂ ସେମାନେ ବିଜେପି ତାର ସ୍ୱରକୁ ଆହୁରି ସ୍ଥାନିତ କରିଛି ଏବଂ ଆସନ୍ତାକାଲି ମଧ୍ୟ ଡିଜି ଅଫିସ ଘେରାଉ କରାଯିବ ବୋଲି ସୂଚନା ମିଳୁଛି। ଅନେକ ଅନେକ ଧନ୍ୟବାଦ ଗୌତମ ପଣ୍ଡା, ଆମ କଟକ ବ୍ୟୁରୋ ଚିଫ୍ ଆମକୁ ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଅଧିକ ସୂଚନା ଦେଉଥିଲେ।